बाकी इनको छोड़ के हमारे सबके हालत खराब हुई है, हमें पता नहीं है, डराने लगे पड़े हैं विकास जी कि जब सल्फ मारेगा तो उसे हिलेगा। फर्स्ट फ्लाइट है। अभी गोवा आओगे तो इस तरह से जरूर लेट के समुद्र का आनंद जरूर लेना। हे गुड मॉर्निंग राजेंद्र, दिस इज अवर दिस साइड। मेरी पहली फ्लाइट जिंदगी की और पहले फ्लाइट में मुझे बहुत डर भी लग रहा है और मैंने अपना बैग कर लिया है पैक। अब हम मिलते हैं सीधे गोवा के सफर में। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर करंट टाइम में मेट्रो में और निकलते हैं सीधे एयरपोर्ट के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए दीपक जी और मैं, और मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट में। गलती हो गई, हम लोग आगे टर्मिनल 2 और 3 में, हमें जाना था टर्मिनल 1 में। अब गाँव के आदमी पता था नहीं, तो टर्मिनल 2 और 3 में आ गए हैं। अब दोबारा जा रहे हैं एरोसिटी, वहाँ से भी पकड़ेंगे हम टर्मिनल 1। तो ये हम पहुँच गए हैं अपने अड्डे में टर्मिनल 1 में, और चलते हैं आगे। हम भी पहुँच गए और यहाँ पर विकास सर हैं, भगतीश के पीछे ध्यानी जी हैं, सर हमारे साथ हैं, और अभी हम जा रहे हैं अंदर ऑनबोर्डिंग करवाने के लिए। तो अंदर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। विकास सर कैसा लग रहा है? गोवा तो गए हैं बहुत बार, लेकिन इस बार जा रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ, कुछ अलग माहौल है। क्या बात है, पीछे हमारे और चैंपियंस भी आ रहे हैं पीछे से घूमते फिरते हुए। तो हम आ चुके हैं अभी फ्लाइट में, पहली बार जिंदगी में। आज ये लाइफ का बड़ा मोमेंट है और गजब कमाल। अब पता नहीं कैसा लगता है इसमें बवाल, चढ़ के देखते हैं क्या होता है। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट है और मैंने कभी फ्लाइट अटेंड नहीं की थी, आज पहली बार फ्लाइट अटेंड कर रहा हूँ, बहुत बड़ा फील आएगा आज। तो हम पहुंच चुके हैं फ्लाइट पर। ये हमारे पूरी पूरी टीम है, विकास कोटाले जी, सैनी जी हमारे साथ, दीपक जी हैं और ध्यानी जी हमारे साथ। ये मेरी पहली फ्लाइट है सर। आपकी कौन सी फ्लाइट है? अपनी काउंट करना पड़ेगा सर। आपकी प्रथम? आपकी सर प्रथम? हाँ प्रथम। आपकी सर फर्स्ट एक्सपीरियंस? बाकी इनको छोड़ के हमारे सबके हालत खराब हुई है, हमें पता नहीं है, डराने लगे पड़े हैं विकास जी कि जब सल्फ मारेगा तो उसे हिलेगा। फर्स्ट फ्लाइट है, एक्साइटमेंट है, मजा आएगा। बट कुछ भी हो आपको मज़ा आने वाला है, और ये मेरी ज़िंदगी की पहली फ्लाइट है और अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी टीम भी है और एंजॉयमेंट के साथ गोवा में मिलते हैं आपसे फिर। अब चलिए जी शैंकुल, बढ़िया। और हम बैठ चुके हैं फ्लाइट के अंदर सबके साथ, पूरा माहौल है। एक मिनट मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो हम अंदर बैठ चुके हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, विकास कोटाले जी हैं, दीपक जी हैं, एंड यहाँ पर हमारे साथ सैनी जी हैं, और हमारे साथ ध्यानी जी हैं, और इधर हमारे साथ हमारे पूरी फ्लाइट बन चुकी है। और अभी हम टेक ऑफ करेंगे और उतरेंगे अभी हम गोवा में अंदर, धक धक हो रही है अंदर से। हाँ सर, हाँ सर, सबको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। हाँ कैमरा कैमरा बंद है आपका, ये वाला वीडियो बिल्कुल फुल एक्साइटमेंट है। सर हाउ द जूस? हाय, ऑल गुड। बाकी हमारे हमारे साथ बैठे हुए प्लेन स्टार्ट है, हम बैठे हुए हैं। सच कहूँ ना, जब वो उड़ रहा था ना तो एक पे लगा कि बस हो गया काम, लेकिन जब वो मुड़ रहा था घूम रहा था तो उसका हालत ख़राब हुई, बट अभी सही हूँ मैं। बाकी सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बेहतरीन, क्योंकि अभी तक फ्लाइट में बहुत सारा ट्रैवल किया लेकिन अकेले किया, पहली बार टीम के साथ किया, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और लगभग यहाँ पे मेरे साथ जो हैं 5 लोगों की पहली बार फ्लाइट है, तो उनके साथ जो मज़ा आया वो अलग लेवल का था, उसको अगले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो अभी गोवा में जब गोवा में लैंड करेंगे तो बताएंगे आपको। वो जस्ट रात के 11 बजे और अभी हम पहुँचे हैं गोवा, और पूरा टीम पीछे आ रही है। तो बहुत लंबा सफ़र था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। तो अभी हम सबके सब जा रहे हैं बीच की तरफ, ये पूरी हमारी टीम है, एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होने वाला है आज, और बीच पे लेके चलते हैं आपको अभी। तो हम अभी पहुंच चुके हैं समुद्र के किनारे, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और आज गोवा पे आए हैं। बहुत ही शानदार व्यू है पीछे का, एक बार आपको दिखाऊंगा जरूर मैं। समुद्र दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज़ द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त। आप भी कभी आइए, मिलेंगे आपसे गोवा में ज़रूर। अभी पूरे समुद्र के अंदर, चारों ओर यहाँ समुद्र ही समुद्र है, आपको दूर दूर तक जहाँ तक हम नज़र मारेंगे पूरा समुद्र है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो ये मेरी ज़िंदगी का अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है।
और देखो ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई गोवा ही तो गए हो। देखो ना, हर किसी का ड्रीम होता है, कहते हैं ना आप जो जिंदगी जी रही होती है वो किसी का ड्रीम होता है। तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं भी कभी गोवा जाऊँ, देखूँ, समझूँ अपने देश की जगह, अपने देश पर जाऊँ। और हमारे देश के अंदर भी इतनी खूबसूरत जगह होंगी, मुझे मतलब पता नहीं था। अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कभी गोवा नहीं आए ना, गोवा आओ, एक अलग लेवल का सुकून है, एक अलग लेवल की ताजगी है। और कभी आओगे तो ज़रूर आना और इन्जॉय ज़रूर करना। मैं और विकास रहे हैं यहाँ पर अभी आराम से, अलग ही लेवल का सुकून है मतलब। अभी गोवा आओगे तो इस तरह से ज़रूर लेट के समुद्र का आनंद जरूर लेना। विकास क्या कहना चाहोगे? Just enjoying Goa. Yeah, Goa. और हमारी पूरी टीम यहाँ पर भी खाना खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये हमारे दल के ब्रो हैं, साथ में हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, सब पूरे फील के साथ। ये हमारे अंडरटेकर साहब बड़ा बिजनेस के हमारा होटल है यहाँ पे अभी रुके हुए, और बहुत शानदार एक्सपीरियंस है गोवा का, है बहुत ज़बरदस्त है गजब। और सतना यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैंने अभी ये ब्लेजर वेयर किया हुआ है तो उतनी खास गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे जो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा है। हम तो उत्तराखंड से भी हम विकास सर और मैं आ गए हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेने के लिए, थोड़ा सा हमें लेट हो गई थी क्योंकि हम दोनों लेट उठे। तो आज अभी विवेक सर का सेशन भी है। विकास सर, हाउ यू एक्साइटेड? आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि विवेक सर का सेशन बहुत धमाकेदार होता है, एनर्जेटिक पॉजिटिव वाइब्स का होता है, और वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा पहुँच रहे हैं विवेक सर के सेशन में। ये हमारा आगे है थोड़ा ब्रेकफास्ट, विकास सर लगे हैं खाने में, सिंपल से है, ज़्यादा हैवी नहीं देते क्योंकि थोड़ा सा बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो फूड्स ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, एंड देन इसको खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम सेशन। कई बार मैं सोचता हूँ कि जीवन बदलता कैसे, किससे बदलता है, कि मैं जब छोटा था मैंने गुजराती माध्यम में पढ़ता था, अंग्रेजी नहीं आती थी, और वहाँ से मैंने एक्सीडेंटली IIT वगैरह पहुँच गए। रावत भी सैमसंग मोबाइल के विजेता बने हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उत्साह बढ़ाइए। अवार्ड दिया गया, एक अवार्ड हमें मिला है कितने का, 1,00,000 रुपए का, वो मिला है हमें सैमसंग का फ्लिप फोन, और जिसकी कॉस्टिंग यहाँ पर मेंशन की गई है 1,01,999 रुपए। ये सैमसंग का फ्लिप फोन है और ये फोन है, तो इट्स द अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड अमेजिंग गिफ्ट फॉर बड़ा बिजनेस। अभी हमारा हो चुका है लंच और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम्स की तरफ। तो ये पूरा कवर होटल का व्यू है। तो सेशन हो चुका है खत्म, गैस्ट्रोनॉलजी है, देन बहुत ज़बरदस्त है गोवा के अंदर और बहुत शानदार प्रीमियम लोकेशन है, आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। अभी आपको मैं अपने रूम पे लेकर चलता हूँ और देन उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आपको लेकर चलता हूँ अपने रूम में, रूम है खड़े हैं, और देन ये पूरा का पूरा बढ़िया सा लेविश रूम, इधर से वॉशरूम है, और देन यहाँ से बाहर का व्यू ना अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही जो है ज़बरदस्त है। तो आपको बाहर दिस इज़ अ व्यू और बालकनी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। अगर आप कभी आते हैं तो ज़रूर आना गोवा में। एंड देन नेक्स्ट जो हमारी ट्रिप है वह है दुबई की, और आज बहुत अच्छा सेशन रहा, एंड अब हमें कल निकलना है। तो ब्लॉग के माध्यम से आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया था कि दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड फर्स्ट फ्लाइट, और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट है, और मैंने इस चीज़ को कभी सोचा नहीं था कि ये सब सारी चीज़ें भी होंगी। बस अपने काम पर ध्यान दिया, और अगर आप काम पर ध्यान देते हैं तो नाम तो अपने आप बन जाता है। तो काम पर ध्यान दीजिए, नाम बनाने के ऊपर तो पूरी दुनिया ध्यान दे रही है, काम पर ध्यान देंगे तो नाम अपने आप बन जाता है। और बहुत ही खूबसूरत जगह है गोवा, अगर आप कभी गोवा आए हैं या फिर अगर आप गोवा से हैं तो मुझे आप नीचे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपका गोवा का एक्सपीरियंस रहा, या आप भी कभी गोवा आना चाहते हैं। लिटरली ना गोवा बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, इसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा। मैं बहुत सारे लोगों के कॉमेंट परसों मेरी पोस्ट में चेक कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग तरीके से कॉमेंट किए। देखिए, हर चीज़ को देखने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो मतलब नेचुरली बहुत ही शानदार जगह, अमेजिंग जगह है, बहुत ज़बरदस्त। कभी आइएगा आप तो बीचेस में घूमना, बहुत ही शानदार अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ से। देन मैं बहुत सारी यादें यहाँ से लेके जा रहा हूँ गोवा की, एंड देन मतलब क्या ना, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत लविश होटल भी है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी इतनी खूबसूरत रहेगी मेरी गोवा की ट्रिप, और 3 दिन का ये पूरा का पूरा जो ट्रिप का माहौल था। और मैंने बहुत कम चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई हैं, क्योंकि हम टी ब्रेक में ही, हमारी पूरी टीम है देहरादून उत्तराखंड की, और ये पूरा माहौल बना हुआ है, तो चलते हैं। हमारे साथ में विकास कोटाला जी जो एंजॉय कर रहे हैं, और
यहाँ पर हमारे अमित जी हैं एंड देन ये हमारे सानी जी एंड बहुत ज़बरदस्त से टूर रहा और अभी बीच में हम बैठे हुए हैं तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा दिखाता हूँ एरिया बहुत ज़बरदस्त बहुत शांति एंड विकास सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस यहाँ पे लाइटनिंग है बीच है मतलब ऑसम चलते हैं सीधे अमित जी के पास अमित जी क्या एक्सपीरियंस रहा सर यहाँ का जो एक्सपीरियंस लगा सबसे पहले तो अगर शांति प्रिय हैं अगर आप तो शांति से आप बीच पे आकर आराम से बैठ सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं पूरा और सानी जी आपका क्या कहना है सर सर जो लग्जरी लाइफ स्वर्ग में सुनते हैं ना लोग वो यहाँ पे जीते हैं बिल्कुल कुछ लोगों की जो परसेप्शन है गोवा को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है पर मुझे ऐसा लगा नहीं यहाँ पर ऐसे कुछ गलत है काफ़ी सब कुछ सही है और एक वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न के हिसाब से अगर आप आना चाहते हैं तो आप आके हमारे एक बार एक्सपीरियंस ले सकते हैं एंड मिलते हैं आपसे दुबई में नेक्स्ट ट्रिप के अंदर तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद